हेटर्स ने दिखाया अपना जलवा, मुनावर बने लड़की बाज। जी हाँ दोस्तों, बात करें बिग बॉस 17 की तो यहाँ पर देखने को मिल रहा कि ट्विटर पर एक ट्वीट जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा और वो है सेव गर्ल्स फ्रॉम मुनावर। जी हाँ दोस्तों, सेव गर्ल्स फ्रॉम मुनावर जो है ये पोस्ट जो है वो लगभग 91,000 पोस्ट के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा, जो कि मुनावर के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है, क्योंकि जहाँ उनके लिए कुछ अच्छा ट्रेंड करना चाहिए था वहीं उनके लिए इतना गलत गलत चीज़ जो है वो ट्रेंड हो रहा है। और इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं उनके हेटर्स ही है दोस्तों, क्योंकि इतना फुर्सत किसके पास होता है जो कि किसी को इतना हेटफुल हेट वाली नज़रों से देखे और उनके लिए बैठकर ट्वीट करे। ये कहीं ना कहीं उनके हेटर्स की चाल है और उन्हें भी डर है कि मुनावर फारूकी जो है वो बिग बॉस का विनर बन सकते हैं। उन्हें डर नहीं है, बोल सकते कंफर्म है कि मुनावर फारूकी बिग बॉस का विनर बनेंगे और इसलिए कहीं ना कहीं वो डरे हुए से हैं। और हर आए दिन देखिएगा आपकी मुनावर फारूकी के खिलाफ में कुछ गलत ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा होता है, वो भी एक दो पोस्ट के साथ नहीं, लाखों लाखों में मिलियंस में भी चला जाता है। और फिलहाल में सेव गर्ल्स फ्रॉम मुनावर जो है वो लगभग 91,000 पोस्ट के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा। हालांकि ये मुनावर फारूक के लिए काफ़ी शर्म वाली बात है, बहुत ही गलत बात है, फिर पर क्या ही कर सकते, हेटर्स हैं, हेटर्स तो आखिर हेट ही फैलाएंगे ना। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हेटर्स के इन चाल की वजह से मुनावर फारूकी के आने वाले जो कैरियर है या फिर बोले कि जो गेम है उस पर कोई असर पड़ सकता है क्या? क्या हेटर्स का ये सारा चाल जो है वो मुनावर फारूकी को विनर बनने से रोक सकता है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी अपडेटेड रहने के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।